प्रियंका गांधी पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है कि इस बार का लोकसभा का चुनाव प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी। प्रियंका गांधी पूरे देश में चुनाव प्रचार पर फोकस करेंगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए प्रियंका पार्टी के कामकाज पर केंद्रित रहना चाहती है। रायबरेली और अमेठी पर कांग्रेस एक दो दिन में फैसला ले सकती है। प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने को लेकर सूत्रों का दावा है कि इसके पीछे ये तर्क है कि तीनों गांधी अगर संसद में जाएंगे तो वंशवाद को लेकर कई सवाल खड़े होंगे। शिवम प्रताप खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि प्रियंका गांधी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी और चुनाव प्रचार पर फोकस करेंगी, इसके अलावा क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर न्यूज 18 को सूत्रों ने यह दावा किया है कि कांग्रेस जो आला कमान है, हाई कमांड है, वो बीते दो दिनों से अमेठी और रायबरेली पर प्रत्याशियों को लेकर चर्चा कर रहा है। गांधी परिवार से सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे की बातचीत हो रही है और ये दावा कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने अमेठी या रायबरेली दोनों सीटों से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिया है। उसका तर्क यह है कि चूंकि पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, सोनिया गांधी की तबीयत इतनी स्वस्थ नहीं है कि वो कैंपेन करें, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार कैंपेन कर रहे हैं, उनकी सीट से उनके दामाद चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर पूरा हाईकमान चुनाव लड़ेगा तो कैंपेनिंग कौन करेगा, क्राइसिस मैनेजमेंट कौन करेगा और जो रणनीतियां बनानी है उसका काम कौन करेगा? और प्रियंका चाहती है कि सारी जिम्मेदारियां वो निभाएं और इसी को लेकर वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। दूसरा तर्क ये भी है कि अगर गांधी परिवार के तीनों सदस्य, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा जा चुकी है, राहुल गांधी केरल के वायनाड से लड़ रहे हैं और अगर प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ती हैं और तीनों सदस्य सदन में जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि सीधे तौर पर बीजेपी वंशवाद पर हमला कर रही है और कहा यह जाएगा कि परिवार के तीनों सदस्य संसद में बैठे हुए हैं। इन्हीं दोनों तर्कों को रखते हुए प्रियंका गांधी ने शुरुआती बातचीत में अपने हाईकमान को बता दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। अगर वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी तो वहां पर 8 से 10 दिन कैंपेनिंग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और इस दौरान तीसरे और चौथे चरण की वोटिंग होनी है, तो लिहाजा इसका नुकसान पार्टी को होगा। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर राहुल गांधी को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है क्योंकि राहुल चाहते हैं कि वो केरल के वायनाड से ही सांसद रहे। राहुल का मानना है कि जब वो अमेठी से हारे तो वायनाड गए, वहां के लोगों ने उन्हें स्वीकार किया और अब अगर वो अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो उसके बाद पार्टी के लिए बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाएगा। फिलहाल सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि प्रियंका चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन राहुल के चुनाव लड़ने पर अगले 24 घंटे में मोहर लग सकती है, सस्पेंस खत्म हो सकता है कि वो चुनाव लड़ेंगे या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे या फिर दोनों सीटों से कांग्रेस नए कैंडिडेट देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने पर फैसला नहीं हो पाया है और खबर यह है कि इस मसले पर बातचीत अभी जारी है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने पर हामी नहीं भरी है। राहुल और प्रियंका पर अभी फैसला नहीं हो पाया है, ये खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है।